हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। बैठ जाओ बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धू से विद्वान बना। यह कहानी मानतुंग के मोती काव्य से ली गई है। तो बच्चों, काशी में एक सम्राट हुआ जिसका नाम था हेमवाहन। उसकी दो पुत्र थे, भूपाल और भुजपाल। पहला पुत्र भूपाल अति मंद बुद्धि था तथा दूसरा पुत्र भुजपाल कुशाग्र बुद्धि था। सम्राट ने दोनों पुत्रों को विद्या अध्ययन हेतु ऋतुधर पंडित के पास भेजा। ऋतुधर पंडित ने पूरी लगन से व्याकरण, तर्क, न्याय, राजनीति, सामुद्रिक, वैदक, शास्त्र विज्ञान, मनोविज्ञान आदि आदि शास्त्रों का दोनों को अध्ययन कराया। राजकुमार भुजपाल ने 12 वर्ष में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर पारंगता हासिल कर ली। लेकिन भूपाल ने कोई भी विषय का पूर्ण रूपेण अध्ययन नहीं किया। ऋतुधर पंडित ने 12 वर्ष तक भूपाल के साथ माथापच्ची की और जब देखा उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं बरा है, यानी 12 वर्ष कुकर की पूछ नली में रखी गई लेकिन जब निकाली गई तब टेढ़ी की टेढ़ी। आखिरकार उनके पांडित्य ने भी जवाब दे दिया। एक ही गुरु के पढ़ाए दो शिष्य, एक ही पिता की दो पुत्र, परंतु अंतर जमीन और आसमान का था। विद्या अध्ययन उपरांत दोनों पुत्र अपने नगर वापस आ गए, मगर भुजपाल का जीवन लोकप्रियता के पथ पर और दूसरे बड़े भूपाल का लोक निंदा के मार्ग पर ढलने लगा। सम्राट हेमवाहन का प्रेम भुजपाल पर अत्यधिक बरसता और भूपाल के प्रति तिरस्कार का व्यवहार होता था। भूपाल भी मन ही मन पीड़ा और संताप से भर जाता था, लेकिन करता भी क्या, मन ममोस कर रह जाता था। भुजपाल की हर कार्य के लिए पूछ होती और भूपाल से लोग बात करने के लिए भी कतराते थे। अपने बड़े भाई भूपाल की पीड़ा भुजपाल को भी सहन नहीं हो रही थी। भुजपाल को अपना सम्मान और बड़े भाई का अपमान जरा भी नहीं रुच रहा था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई भूपाल से कहा, भैया, आप श्री भक्तांबर जी स्त्रोत के 6वें काव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्धिमंत का जाप करो, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। निदान भूपाल ने अपने लघु भ्राता भुजपाल की संपत्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक शुद्धिमंत के साथ 21 दिन तक जाप किया, मंत्र का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भूपाल के सामने ब्राह्मणी नामक देवी प्रकट हुई। कहा, वस्त्र क्या चाहते हो? भूपाल ने कहा, माँ विद्या की प्राप्ति। देवी ने कहा, भगवान जिनेन्द्र की श्रद्धा पूर्वक आराधना से आज तुम्हें विद्या की प्राप्ति होगी। अब तो भूपाल एक महाधुरंधर ऐसा विद्वान हुआ कि पुराणों में इस घटना ने विशिष्ट स्थान बना लिया।
निंदा अपनी करो, दूसरों की नहीं। जो आदमी बना ले या रब से रिश्ता, वो आदमी नहीं है कोई फरिश्ता। अपने को जानो, दूसरों को नहीं।